फिरोजाबाद में एक बार फिर से शहर फिरोजाबाद में नंबर टॉप पर चले कोचिंग संस्थान श्योर सक्सेस करियर एकेडमी ने विभिन्न परीक्षाओं में अपना दबदबा बनाया और फिरोजाबाद शहर के सैकड़ों सिलेक्शन देकर एक मिसाल पेश की। इसी के चलते होली के इस पावन पर्व पर श्योर सक्सेस करियर एकेडमी में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया व सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाइयाँ दी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए KDS चौहान एवं सचिन बघेल ने संचालन किया, जिसमें नीतू गोला PCS सब रजिस्ट्रार 2016, सिप्रा गुप्ता रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रणव सिकरवार रेवेन्यू इंस्पेक्टर, प्रबल कुशवाहा मार्केटिंग इंस्पेक्टर, संध्या विधान भवन रक्षक व लगभग 200 प्लस पुलिस ऑफिसर व PSC में सिलेक्शन के छात्र छात्राएं नहीं। वही कार्यक्रम में SSCA परिवार की तरफ से सचिन जैन सर, सालनी सिंह, प्रवीण राम प्रताप आदि लोग उपस्थित रहे। दूसरा मैं ये करूँगी, जो बच्चे हैं जिन्हें शायद मैं पढ़ा सकती हूँ, चाहे मैं खुद गाइडेंस दे सकूँ या फिर जिनकी फीस मैं सबमिट कर सकूँ और वो पढ़ सके, तो दूसरा मैं ये करूँगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घागौ लाखन सिंह के पुत्र 10 वर्षीय को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई। जब यह बात उनके पिता लाखन सिंह को मालूम पड़ी तो लाखन सिंह ने इस बात का विरोध किया। उनके साथ भी मारपीट की गई। तब लाखन सिंह उनके भाई बच्चू सिंह थाने में शिकायती पत्र देने के लिए गए तो पुलिस ने उनको ही थाने में बिठा लिया। जब इस घटना की जानकारी TV1 इंडिया न्यूज को पता लगी तो वहाँ पर हमारे विशेष संवाददाता ने इस घटना की जानकारी ली तो वहीं पर पता चला कि ग्राम प्रधान प्रीतम सिंह ने बताया कि इस मामले को एक बड़े अखबार के तथा कथित पत्रकार अतुल कुमार ने मामला उल्टा कर दिया, जिनके साथ मारपीट हुई थी उनके खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। वहीं ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों का आरोप है कि अतुल ने उस पार्टी से पैसे लेकर मुकदमा उल्टा दर्ज करा दिया। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि जिस तरीके से पत्रकार थाने में दलाली करते हैं, आम जनता को फिर न्याय कौन दिलाएगा। ग्राम प्रधान ने इस घटना की जानकारी दी। इस पूरे प्रकरण पर जब CEO जसराना से पूछा गया तो उन्होंने मामला कहा कि अपने संज्ञान में नहीं होने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच भी कराएंगे, उसके बाद जो भी कुछ साफ हो पाएगा उसी के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जसराने थाने में क्या क्या होता है, यहाँ पर किस तरीके का, ये आंखों तेल हार आपको बताने जा रहे हैं। उसी मौजे के खड़े हुए हैं प्रधान जी। प्रधान जी, क्या पूरा मामला क्या है? ऐसा था, दारू पी के साथ लड़ाई हो गई। छोटा बच्चा था 10 साल, उसे जबरदस्ती दारू पिला रहा था जी। अच्छा, वो लोग पहुँच गए, उसमें मारपीट की। अच्छा, वो लोग पिटे लाखन सिंह बच्चू जी जी। पिटने के बाद वो जब उसके बाद आप पीटने के बाद थाने बंद कर दिए थे, आप उच्च अधिकारियों से मिले, CEO से लेके एडिशन से मिले, तो CEO ने क्या कहा? CEO साहब के पास नहीं है। अच्छा जी, फिर दोबारा मिलने के CEO साहब ने क्या कहा? CEO साहब ने कार्रवाई होगी, उन्हें हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, उनके खिलाफ जो पिटे उन्हें के खिलाफ 323 और 400 मुकदमा, जो शिकायत करने आए उसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। के खिलाफ मुकदमा, ये किसने करवाया, कौन था? अतुल पत्रकार। अतुल पत्रकार, अतुल पत्रकार हिंदुस्तान का जी। और दलाली करता है, ये थाने में रहता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो गांव खुर्द के रहने वाले हैं साहब जी। और ये कहा करते हैं दलाली करता है थाने में आकर, और हमें नाजायज। कौन है सर? ये पत्रकार है, हमारे ही गांव का है जी। और ये पत्रकार था पहले हिंदुस्तान का जी। अब पता नहीं ये है क्या, ये दलाल बन चुका है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है। और वो उसमें झगड़ा हो गया जी। और झगड़ा होने के बाद हमारे पिताजी की, हमारे भाई की मारपीट हुई जी। और हमारे पिताजी को ही बंद कर दिया थाने में ला करके, FIR दर्ज कर दी, उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिए साहब जी। और हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई जी। और हमारी FIR तहरीर भी सुबह चौकी के दरोगा जी हैं, उन्होंने सुबह FIR लिखी है। और सुबह अगर वो नहीं आते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी कहीं पर। इस तरह का कोई मामला अभी तक प्रकाश नहीं आया है तो मैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पर इस दौरान मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सपा संरक्षक मुलायम सिंह का नाम न होने पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा कि समाजवादी पार्टी ने नेताजी की शुरुआत की है, वही उपेक्षा है कि पार्टी ने हमेशा उनका अपमान किया है। नेताजी मेरे साथ है, उनसे पूछकर ही मैंने पार्टी बनाई थी, वह हमेशा मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं पूरा उनका सहयोग करूंगा। समाज जो लिस्ट बनी है उसमें से समाजवादी पार्टी ने नहीं रखा है, क्या कहेंगे आप? नेताजी की उपेक्षा है, शुरू से ही उपेक्षा है।
तो वैसे तो नेताजी चुनाव मैनपुरी से लड़ेंगे, हमारा पूरा समर्थन है। तो क्या माना जाए कि अब नेताजी आपके साथ हैं? हाँ, नेताजी शुरू से ही हमारे साथ, उनके आशीर्वाद है, पार्टी भी उनके हमने उनसे आदेश लेकर ही बनाई थी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और फिर मेन समाजवादी पार्टी ने उनको आज प्रचारक की सूची में नहीं लिया है, हटा दिया है, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार उपेक्षा हुई है उनकी, अपमान भी हुआ है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।